तो यार आज हम बनाने वाले कस्टर्ड ब्रेड पुडिंग बहुत सही बनने वाली है मतलब मैंने बनाया और यार सही बता रही हूँ बहुत सही थी एकदम है ना तो उस वीडियो एंड तक देख लो और चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब लगा शेयर तो बनता ही है ना तो इस, तो तो इस कस्टर्ड ब्रेड पुडिंग को बनाने के लिए सिंपली यहाँ पे हम अभी बताऊँगी मैं अभी तो पहले देख लो इसका टेक्स्चर अच्छे से है ना मतलब बहुत सही थी यार तो बना लेना एक बार आप लोग भी तो देखो यहाँ पर सिंपली इसके लिए आपको चाहिए पहले तो दूध ले लेना पहले तो है ना उसके बाद हम इस दूध को बनाने वाले एकदम कस्टर्ड वाला कस्टर्ड ब्रेड पुडिंग तैयार कस्टर्ड आएगा ना है ना तो यहाँ बस सिंपली दूध उबलने देते हैं और यहाँ पे आपको बनाना है कस्टर्ड का एक मिक्स तो कस्टर्ड लेना है उसके बाद मिल्क पाउडर मत लेना मैंने पता नहीं क्यों ले लिया मत लेना है ना कोई जरूरी नहीं है <laughs> फिर इसके अंदर बस पानी डाल दो और ये होल बन गया मतलब बढ़िया सा है ना ऐसे डायरेक्ट डाल दोगे तो क्या होगा वो लम्स पड़ जाएंगे इसलिए अपने को ऐसा करना नहीं है काम है <laughs> ना अब बस इसको मिलाते जाओ और एक ही आते ही मतलब नहीं यहाँ पर आपको उसको थिक करना है थोड़ा सा है ना इसको थिक करने की ज़रूरत है क्योंकि नहीं तो क्या होगा वो एकदम ऐसा लगेगा हम पता नहीं ब्रेड को पता नहीं क्या ही हो गया भीग चुकी एकदम वो ऐसा नहीं करना है हम थोड़ा सा इसकी थिकनेस बनाए रखनी है बढ़िया वाली है ना फिर इसके अंदर मैंने चीनी मिला दी है और उसको बढ़िया से इसको, इसको गाढ़ा कर लिया एकदम बढ़िया हो जाएगा मतलब दो मिनट में जाएगा पर ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा है ना देख सकते हो एक दो बारी आने पर ही है ना बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगा तो बस इसको फिर आप ना ठंडा कर लेना बढ़िया है ना पूरी रेसिपी ना एकदम ठंडी ठंडी बनाना मैंने तो देखो पहले तो मिक्स पहले ही बना दिया फिर इसको ठंडे ठंडा करने के लिए फ्रिज में रख दिया अब देखो यहाँ पे जो ब्रेड है वो भी ठंडी है और जो मैंने मिक्स बनाया वो भी ठंडा ही है और जो क्रीम लगाने वाले वो भी ठंडी है है ना क्रीम तो देखो यहाँ पे मैं विप क्रीम का यूज़ कर रही हूँ घर की बनाई हुई एकदम बढ़िया वाली है ना तो मेरे चैनल पे देख सकता है मैंने बताया बताए हुए मतलब बहुत सारे वीडियो विप क्रीम के तो आप देख लेना अभी लेटेस्ट वाली है ना वो देखना पर वो मतलब वही प्रोसेस है मैंने इस बार भी बनाई है और सबसे सही प्रोसेस है वो है ना तो यार सही में तो वही विप क्रीम का यूज़ करने वाले हम ना हो तो आप क्या ही कर सकते हैं आप इसको स्किप कर सकते हो यार कोई दिक्कत नहीं है ऐसी है ना इसको स्किप करके क्या करना अब ये जो कस्टर्ड वाला मिक्स है ना इसको इतना ज़्यादा गाढ़ा कर लेना कि ये क्रीम वाला टेक्सचर में आ जाए ठंडा होने के एक बाद एकदम ऐसे गाढ़ा गाढ़ा हो जाए है ना अगर आप मान लो वो क्रीम नहीं लगाना चाहते हो तो आप ऐसा करना है तो भी आपका टेस्ट बिल्कुल बहुत अच्छा आने वाला है है ना बस मेरी कही बात पे ध्यान रखना है ना समझ रहे हो ना तो मैंने तो देखो क्रीम का यूज़ क्या इसलिए मैंने कुछ ज़्यादा इसमें यूज़ करा ही नहीं है मतलब कस्टर्ड मैंने पतला ही रह दिया क्योंकि फ्लेवर चाहिए था हमें बस है ना अगर आप जैसे क्रीम की मतलब क्रीम के उसमें यूज़ कर रहे हो ना आप अगर कस्टर्ड बनाना है आपको तो आप बना सकते हो गाढ़ा वाड़ा करके वो भी क्रीम का ही काम करेगा ऐसे कर लेना फिर बस यहाँ पर मैंने ब्रेड ले ली है साइड्स काट दिए और एक, एक लेयर उसकी लगा दी फिर कस्टर्ड डाल दिया और फिर यहाँ पे मैंने क्रीम लगा दी फिर दूसरी लेयर लगा दी वापस है ना <laughs> ब्रेड लगा दिया और वापस से कस्टर्ड लगा दिया और क्रीम लगा दी बस और बहुत सही बनता है मतलब इतनी इतनी ईजी है ना ये रेसिपी मतलब ऐसा लगता है हम केक खा रहे हैं और एकदम उसमें फ्लेवर कस्टर्ड का आता है ना बहुत अच्छा लगता है सही में तो कई बार मैं आपको हाईली रिकमेंड करती हूँ आप बस बना के देख लो एक बार और अभी तो देखो ऐसे वीडियोस चल रहे हैं मेरे सप्ताह में दो वीडियोज़ आते हैं भाई मैं कुछ कहने लायक नहीं रहे पर कहीं कर सकती हूँ यार है ना पर है ना बहुत जल्दी मैं ना अच कुछ नया करने वाली हूँ तो बस उसके लिए बने रहा रहना और बस यहाँ पे मैंने बना लिया है इसको मतलब बहुत सिंपल है यार ये रेसिपी इतना बड़ा वीडियो बनाने की जरूरत थी नहीं मुझे <laughs> बट देख सकते हो बहुत सही थी एकदम है ना ऊपर से क्रीम डाल दिया अब कोई भी फ्लेवर आप इस क्रीम में डाल सकते हो ऐसा नहीं है कि आपको जैसे कस्टर्ड मैंने बनाई तो आपको कस्टर्ड ही बनाना है आप इसको चॉकलेट वाली क्रीम बना सकते हो या कस्टर्ड के अंदर कुछ और अपने फ्लेवर ऐड करने तो वो भी डाल सकते हो जैसे मैंगो है अभी मैंगो सीजनेबल है तो आप कर सकते हैं आराम से है ना कोई दिक्कत नहीं है <laughs> मैंने तो बहुत सिंपल रहने दिया क्योंकि आ, इतना था बड़ा मेरे को करना इधर चॉकलेट मेरे पास थी नहीं, नहीं तो ऑफिस ही बात थी मैं चॉकलेट का ही बनाती हमेशा से बट थी नहीं ना यार तो मैं क्या ही करती यार और चॉकलेट के बिना ना मज़ा नहीं आता सही में चॉकलेट थी नहीं यार मेरे पास खैर <laughs> कोई नहीं ये भी बहुत सही लग रहा था एकदम मतलब मीठा खाने की इच्छा होना तो ये एक बार खा लो आप बस मज़ा आने वाला उन्हें है ना तो बस ऐसे डेकोरेट तो आप कैसे भी कर सकते हो मैंने भी डेकोरेट कैसे भी कर दिया <laughs> है ना मैंने तो बस वो रोज़ सिरप होता है ना उसको मैंने ऐसे से लगा दिया और उसको वो टूथपिक होती है ना उसे ऐसे ऐसे हिला दिया <laughs> तो थोड़ा सा उसका टेक्सचर बढ़िया लग रहा है मतलब देखने में अच्छा लग रहा है और क्या ही है, <laughs> है ना तो बस यार आप बना के देख लो मैं कुछ कह नहीं सकती और मैं क्या ही कहूँ अब मैंने कट करके दिखाई दिया था आपको स्टार्टिंग में भी जैसे कितना ज़्यादा क्रीमी लग रहा था और पुडिंग जो थी ना यार ब्रेड पुडिंग बहुत सही है मतलब मैंने, मैंने मैं आपको बता दूँ मैं पहले मैंने ना ये पहली बार बनाया है मैंने कभी ये ट्राई नहीं किया था मैंने एक बार बहुत पहले ट्राई किया था वो आ, केक बना दिया था मैंने है ना ब्रेड का बट ये तो मैंने कभी ट्राई नहीं किया था यार ब्रेड पुडिंग सही में यार और उसका टेस्ट बहुत अच्छा था बस आप बना के देख लो एक बार मजा आ जाने वाला है आपको सच्ची बता रही हूँ है ना तो बस अब नहीं हो तो चैनल पे सब्सक्राइब कर दो यार क्या ही कहूँ मैं ना <laughs> चलो मिलते हैं बाय अगले वीडियो में चलो बाय बाय <laughs>